इस जागरण फेस्टिवल मेरा मोस्टली कई बार आना होता है हर साल, और जिस तरीके से हर शहर में और जिस तरीके से फिल्में दिखाई जाती हैं तो एक अवेयरनेस बढ़ रही है आम लोगों में, एक अच्छी फिल्मों की अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है जागरण का। और मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि धीरे धीरे अपनी जो लिगेसी बनाई है वो कायम रखें, आगे इसी तरीके से काम होता रहे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर कस्बे हैं जहाँ पे वो फिल्में नहीं पहुँचती, लेकिन इनके थ्रू जागरण फेस्टिवल के थ्रू फिल्में वो देख पाते हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक बज़ मिलता है फेस्टिवल से फिल्मों को, और उसके बाद यहाँ पे लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ती है उन फिल्मों को लेके। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल होता है, छोटी फिल्म को रिलीज़ करना ही बहुत मुश्किल होता है, बट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स उनकी वजह से एक ऑडियंस तैयार हो जाती है। नहीं, अभी कोई इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ फिल्में कर रहा हूँ। कौन किसको कास्ट करेंगे अभी मुझे नहीं मालूम, अभी वो तय भी नहीं हुआ है, बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा, बट अभी ऑफिशियली हमारी बात चल रही है फिल्म करने की। और ऑफ कोर्स मैं विशाल जी के साथ, मेरा हमेशा मन रहा है उनके साथ काम करने का। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है क्योंकि इस फेस्टिवल के ज़रिए जो कि 16 सिटीज़ में ट्रैवल करती हैं तो उन फिल्मों को देखने का मौका मिलता है जो कि इंटरनेशनल हैं, जो कि रीजनल हैं, जो कि हिंदी सिनेमा की हैं। एक साथ जब आप फेस्टिवल में फिल्मों को देखते हैं तो उस साल में और उसके प्रीवियस साल में सिनेमा कहाँ रुझान ले रहा है उसका आपको एहसास होता है। और मैं जागरण न्यूज़पेपर्स को बहुत मुबारकबाद देती हूँ उनके इस एफर्ट के लिए, और उम्मीद है कि और कामयाब होता जाएगा। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि जागरण इस तरह के आयोजन कर रहा है, और इस तरह जैसे जागरण है और दूसरे जो हमारे यहाँ इस तरह के पेपर्स हैं जो कि सीरियस जर्नलिज्म करते हैं और जिनका समाज पे पूरी नज़र है, वो सिनेमा की तरफ भी देखें और सिनेमा को भी इस तरह से इनक्रेज करें, अच्छे सिनेमा को, ये बहुत ज़रूरी और बड़ी अच्छी बात। इस तरह का फेस्टिवल और होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत से हो रहे हैं। होता क्या है कि ये कुछ लोगों ने तो अलग एक कारोबार उसे बना दिया है, मगर जागरण एक दूसरी चीज़ है। तो मुझे खुशी की बात है कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है वो इसमें आ रहे हैं। भैया, मुझे तो मालूम नहीं किसका किसके साथ फोटो फोल किया गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं। हेलो, हिंदी या इंग्लिश दोनों? वेल, मैं कहना चाहूँगी कि जागरण फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही कमाल का जो इनिशिएटिव है, एंड मैं काफ़ी मतलब पिछले कुछ सालों से
जागरण फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रही हूँ. मेरी मेरी फिल्मों को बहुत सपोर्ट मिला है जागरण ग्रुप से और इस फिल्म फेस्टिवल से, क्योंकि नील भट्टे पिछले साल इस फेस्टिवल में शामिल थी और मुझे पिछले साल नील भट्टे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था और वो मेरा पहला अवार्ड था नील भट्टे के लिए. सो बहुत स्पेशल था. एंड इस साल मेरी फिल्म अनारकली ऑफ आरा जागरण फिल्म फेस्टिवल में है. और एक बहुत ही पर्सनल सी बात है और वो ये कि मैं अनारकली ऑफ आरा के जो निर्देशक थे उनसे पहली बार जागरण फिल्म फेस्टिवल में मिली थी. सो आई थिंक कि जागरण फिल्म फेस्टिवल इज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट एंड आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है कि अच्छा और अलग अलग किस्म का सिनेमा जागरण फिल्म फेस्टिवल सिर्फ जो बड़े शहर हैं और मेट्रोपोलिसिस हैं उनमें ही नहीं, बल्कि जो टीयर टू सिटीज़ हैं और जो थोड़े छोटे शहर हैं जिन्हें शायद कुछ इन फिल्मों को देखने का मौका ना मिले, उन दर्शकों तक भी अच्छी और अलग किस्म की फिल्में पहुंचा रहे हैं. सो दैट्स रियली फैंटास्टिक. ये मुझे आपसे पता चल रहा है. सो अगर मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी. आई विल बी वेरी एक्साइटेड. बट हाँ, मेरी फिल्म जागरण फिल्म फेस्टिवल में कॉम्पिटिशन में है तो मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ. वेल, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स और होने चाहिए. बट एंड मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं और इसलिए और हम एक ऐसे लोग हैं, हमें कहानियाँ बहुत पसंद हैं. तो आई थिंक कि ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन कहाँ पैदा हुआ है. आई थिंक कि अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो वो कहानी हर किस्म के सरहद को पार करती है, चाहे वो छोटे शहर और बड़े शहर का सरहद हो या वो यू नो देशों का सरहद हो या वो संस्कृति का सरहद हो. सो आई थिंक कि जागरण फिल्म फेस्टिवल जैसे और कई इनिशिएटिव होने चाहिए. मुझे लगता है कि जो लोग घटिया लोग होते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म को घटिया बना देते हैं, तो जो ट्रोल्स होते हैं वो घटिया लोग होते हैं और इसलिए वो अपनी असलियत जहां उन्हें मौका मिले वहां दिखाते हैं. और जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता तब आप गाली देते हैं. तो थैंक यू. थोड़ा जोर से बोलना, सुनाई नहीं देता. क्या बताऊँ. वेल, द फेस्टिवल इज़ ग्रेट एंड आई एम क्वाइट हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट इन सम फॉर्म. इट ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड, आई थिंक ट्रैवल्स ऑल ओवर इंडिया एंड इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैवलिंग फेस्टिवल. ऑलवेज गुड टू एनकरेज स्मॉलर फिल्म्स, independent films, films which cannot really have that exposure in the mainstream. So it's great. Thank you. ये जागरण फिल्म फेस्टिवल है, इसमें आप क्यों किसी की पर्सनल बातें के लिए सवाल पूछते मुझे समझ में नहीं आता. किसी की भी पर्सनल बातें हैं तो उनको करने दो. आप अपना फेस्टिवल कर रहे हैं तो फेस्टिवल के सवाल पूछो ना. ये ऐसे कैसे सवाल. हाँ, तो ये मंच है वो सवाल पूछने का, नहीं पूछना चाहिए ना ये सवाल. ये जागरण फेस्टिवल है, उसके सवाल पूछो ना. आप क्यों किसी की पर्सनल बात के बारे में सवाल पूछ रहे हो यहाँ पर. अच्छा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. और कौन about the I'm really happy to be here at the 8th Jagran Film Festival with my film Dr. Rakhma Bai, and today is the awards night. It's the closing night and I'm really looking forward to that. Dr. Rakhma Bai was screened in Delhi as well as in Mumbai and we had a fantastic response and really really looking forward to a very special evening today. Thank you for having us here. I
I think Jagran is a very special film festival because it's a traveling festival. That's a very unique quality that it's sort of you know doing. I think it's a very good thing that it takes all these different kinds of films, international films, regional films, and various other Hindi films also to tier two cities as well, and to various cities where sometimes these films don't actually get a release. So it's a fantastic initiative to showcase different kind of cinema from across the globe and actually nurture film viewing in the Indian audiences and by that actually have a very healthy exchange of culture. Thanks. आप पूछ रहे हैं questions? पूछा तो बोलिए, सुन ही नहीं रहा। हाँ, आगे। बस ये कहना चाहूँगी कि जागरण के साथ बहुत लंबा रिश्ता रहा है, right from the beginning। चाहे मेरी फिल्में हो यहाँ पर और आज जूरी के नाते यहाँ पर हूँ और बहुत सारी responsibilities हैं। So looking forward to it and I hope the best one wins. बहुत खास है क्योंकि बहुत सारी शहरों में अपनी फिल्में लेकर जागरण के जरिए गई हूँ और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है और चाहूँगी ये बहुत और ज़्यादा एक्सपैंड हो और बहुत सारे शहरों में जाए। English, Hindi. नहीं, मैं तो जागरण के बारे में आप कहिए, मैं तो 10-11 साल से इन्वॉल्व हूँ एज ए मेंटर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक हर जो एट टाउन्स नहीं है जहाँ मुमकिन नहीं है बच्चों को देखना या किसी को भी देखना एक तरह की का सिनेमा, हर तरह का सिनेमा है, उसको उसका प्रचार होना चाहिए, उससे एक ऑडियंस बढ़ती है, उससे लोगों की जागरूकता बढ़ती है, एक माहौल क्रिएट होता है, वंडरफुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, मैं हर जगह जाता हूँ, लखनऊ, कानपुर, हर जगह उनके साथ, तो मुझे बहुत मज़ा आया। नहीं, अवार्ड फंक्शंस होने तब चाहिए जब उसका कोई अलग मकसद हो। कुछ ज़्यादा अवार्ड हो गए तो ये एक है, काफ़ी है ना, हम इसको ठीक करें और अच्छे से बनाएं और बहुत अच्छे है फेस्ट। अवार्ड जो है ना वो एक अलग बात है, अवार्ड जो है वो देने पड़ते हैं, कोई कुश्ती का दंगल तो होता नहीं है सिनेमा, तो एक तरह की फिल्म को दूसरी की तरह की फिल्म के साथ जज करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी किसी न किसी को बेस्ट फिल्म मिलता है, लेकिन जो जितने भी लोग नॉमिनेट होते हैं ना वो सब विजेता हैं और उन सबको मेरी बधाई। मुझे आप सिनेमा ये सब मत बोलिए, कौन एक्टर्स इससे मुझे पता ही नहीं है। एक तो आप क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं फिल्म की न्यूज़ पढ़ता ही नहीं हूँ भाई साहब, तो मुझे पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। Hi Tony, how have you been? Hi. मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जागरण फिल्म फेस्टिवल में मैं फिल्में देखता रहा और इस साल मुझे जूरी पर रखा गया था शॉर्ट फिल्म के, तो भाई वो फिल्में जब देखी तब ऐसा लगा कि यार हमने तो फिल्में देखी नहीं, कहाँ अब सिनेमा पहुँच गया है। तो बहुत कहते हैं ना एनलाइटनमेंट, आई ओपनर, बहुत सारा ज्ञान मिला एंड थैंक यू दिस एक्सपोजर फॉर दिस एक्सपोजर।
international exposure and making me one of the jury, an honor. I think पहली बात तो ये कि अगर अलग अलग शहरों में जब आप एक फेस्टिवल को देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है वैसे ही वो चाहते हैं कि फेस्टिवल का मज़ा पूरा देश ले उसका, ऐसा नहीं कि शहर है मुंबई है तो हुआ, दिल्ली है तो हुआ। मुझे लगता है हर जगह अगर ये फेस्टिवल पहुंच रहा है तो इसका मतलब है जागरण, हम जिसे कहते हैं कि भैया वाकई में अवेयर करें, तो अवेयर किया जा रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। हॉरर 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 नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा पर सोच रहा हूँ। नहीं करना चाहिए, लोग जी रहे हैं, लोगों को जीने भी तो देना चाहिए। फोटो छापना छापो, उस पर डिस्कस बहस मत करो, करना नहीं चाहिए, नहीं करना। उनकी प्राइवेट लाइफ में वो खुश रहेंगे तो आपके लिए अच्छा परफॉर्म करें। Just have to start speaking and they'll ask me questions. आप सवाल पूछोगे, right? नहीं। जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरी सबसे पहली जो फिल्म थी दिल्ली इन अ डे और मिसेस स्कूटर स्क्रीन हुई थी। ये अभी मुझे पता चला है कि 16 शहरों में जाता है वर्ल्ड सिनेमा लेके। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल। भारत को देखा जाए तो हम फिल्मों के लिए पागल है और पूरी दुनिया से जो भी सिनेमा आ रहा है और जागरण फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से ये छोटे छोटे शहरों में जा रहा है। सो इट्स लाइक अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू एक्सपीरियंस टू सी गुड सिनेमा, ग्रेट इनिशिएटिव टू एजुकेट पीपल टूवर्ड्स वॉचिंग गुड सिनेमा एंड सपोर्टिंग गुड सिनेमा। सो इट्स जस्ट अमेजिंग। मुझे अवार्ड शोज़ के बारे में पता नहीं है, फिल्में अच्छी दिखाने वाले फेस्टिवल्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने चाहिए। हम बहुत सारी ख़राब चीज़ें देखते हैं सुनते हैं, तो ये जो क्लेंजिंग जो है अच्छी चीज़ों के लिए वो होना बहुत ज़रूरी है। YouTube तो देखो, YouTube का एक अपना कंटेंट है और YouTube पे एक अलग से चीज़ें आएंगी, मगर फिल्मों का मीडियम अलग है, फिल्म एक अलग मीडियम है, अलग माध्यम है। तो इन दो चीज़ों को मिक्स मतलब हाँ, शायद पता नहीं, वो अपनी YouTube के माध्यम से लोग अलग तरह से एजुकेट होते हैं, फिल्मों के माध्यम से लोग अलग तरह से इंस्पायर होते हैं। तो शायद मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये दोनों चीज़ें मिक्स कैसे होंगी। थैंक यू सर। आप पूछेंगे सवाल, मैं वहाँ पे मेमोराइज करके आ रहा था कि क्या बोलना क्या है। सर आप अच्छा आप अच्छा आप वहीं से पूछेंगे, अच्छा ठीक है, आपको देखूँगा भाई। अरे थैंक यू सर। पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि 8 साल और इतने फिल्में और इतने फेस्टिवल्स होते हैं कि बहुत कम फिल्म फेस्टिवल्स को अपना नाम बनाने को मिलता है और जागरण फिल्म फेस्टिवल इज़ वन ऑफ देम। इट हैज़ मेड अ नेम एंड आई वुड लाइक टू से दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट सीन और आई हैव नॉट बीन टू द फिल्म फेस्टिवल
but I am going to go next year for sure. I know it starts in Delhi and it goes 16 cities, and it seems like a big round, but I've seen a couple of the films, Trap, Jolly LLB, Pink, so I definitely feel that one of these great films should win. So congratulations, Jagran Film Festival, and many, many more to come. दर्शकों को ज़रूर बोलना चाहूँगा मैं रांची डायरीज पहले तो अक्टूबर 13 तारीख को रिलीज़ होने वाली है तो आई एम वेटिंग कि आप सब आएँ थिएटर और आप देखें फिल्म और दूसरी बात ये कि रांची डायरीज जो है वो हमारे यूथ के ऊपर है इट्स अ सिंपल लाइफ फिल्म जहाँ पर पांच लोग अपना सपना कायम करने के लिए वो निकलते हैं पर वो कहीं फंस जाते हैं और वो फिर वहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है ये एक थ्रिलर है कॉमेडी है तो आपको बहुत मज़ा आएगा एंटरटेन होंगे आप लोग तो प्लीज़ अक्टूबर 13 को ज़रूर आइएगा सर सर आप फिर से बोल सकते हैं जी 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 सर आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है मुझे लगता है कि हमारी सिनेमा जो है एक बहुत ही अच्छे मोड पर है जहाँ पर रियल सिनेमाज रियलिटी सिनेमा जैसे आप समझ लो पिंक या ट्रैप्ड या हमारी फिल्म जैसे रांची डायरीज या बरेली की बर्फी या शुभ मंगल सावधान जो है ऐसी फिल्में आजकल बहुत चल रही हैं और लोगों दर्शकों को पसंद आ रही हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए रियलिटी के ऊपर और आई फील अब से लेकर अभी हम वर्ल्ड सिनेमा के तरफ जा रहे हैं तो इंडियन सिनेमा इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड सिनेमा वेरी सून एंड एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी यस सर कौन इंटरफेयर कर रहा है ऑडियंस इंटरफेयर कर रही है मीडिया इंटरफेयर कर रहा है मीडिया इंटरफेयर करेगी तो ऑडियंस इंटरफेयर करेगी है कि नहीं तो ये इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता सबका पेट चलना चाहिए हाँ सबको खाना मिलना चाहिए तो दिस इज एवरीबॉडीज वर्क अगर कुछ हमें छुपाना है तो हम छुपाएंगे दिखाएंगे तो आप देखेंगे है कि नहीं सॉरी 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 कितना भैया यार आवाज़ नहीं आ रही इधर इधर आ इधर आ इधर आ एट फेस्टिवल है यही अपने आप में बहुत कुछ बड़ी बात है क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो हमें अच्छी तरह याद है कि कैसे जागरण फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई और इन 8 सालों के अंदर कितनी इसको मान सम्मान मिला है मतलब हर जगह से फिल्म जो है इस फेस्टिवल में आई हैं दिखाई गई हैं चाहे वो हिंदुस्तानी फिल्में हों चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ की फिल्में हों तो हमें इस फेस्टिवल में अलग अलग फिल्में देखने को मिलती हैं उनके नैरेटिव देखने मिलते हैं उन कंट्रीज़ के कल्चर देखने को मिलते हैं हमारी कल्चर और हमारी ट्रेडिशन और हमारा स्टोरी नैरेटिव जो है वो बाहर के लोगों को पता चलता है तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म और स्पेशली इतने शहरों में होता है और अब बम्बई जो है ये इसका आखिरी मुकाम है तो मेरे को मैं जागरण परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के फेस्टिवल जो पिछले 8 साल से वो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं और इससे जो है फिल्म कल्चर को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है हेलो बिल्कुल ये जागरण फिल्म फेस्टिवल का 8वां साल है और मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक फ़िल्म फेस्टिवल की प्रोडिजी हूँ फिल्म फेस्टिवल ने मेरी करियर को बहुत अच्छी तरह की दिशा दी है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जर्नलिस्ट हो या फिल्म समीक्षक हो सारे क्रिटिक्स से एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है और यहाँ पर आने वाली ऑडियंस वर्ल्ड सिनेमा देखने वाली होती है तो जागरण फिल्म फेस्टिवल के 8वें साल पे मैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच कोई शॉर्ट मूवी है जो आपके जहन में जो आप शेयर कर सकते हैं जो आपके दिल को छू गई
अगर शॉर्ट फिल्म की बात की जाए तो मेरी अपनी फिल्म जिसका नाम था चैत्र, ये क्रांति कानडे की शॉर्ट फिल्म थी और उस फिल्म ने मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड दिया था और क्रांति जी को और भास्कर चंदावरकर जी को भी नेशनल अवार्ड दिया था। तो बहुत प्राइड फीलिंग आती है, प्राउड फीलिंग आती है जब छोटी छोटी फिल्मों को भी नेशनल अवार्ड्स में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और उसको भी इतनी अच्छी ऑडियंस मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिंघम के बाद मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म आई जो कमर्शियल फिल्म थी, जिसका बिल्कुल कह सकते हैं, और जिसका नाम है पोस्टर बॉयज़, और उसको बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रतिसाद मिला, ऑडियंस की भी काफ़ी प्रशंसा मिली। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी फिल्में करूं और आपका मनोरंजन करती रहूं। मुझे लगता है कि ये स्टार होने की कीमत है और मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूं, तो उनको अगर ट्रोलिंग होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। हाय, 8 years जी, बहुत अच्छी बात है। माय हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू द होल टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ जागरण फिल्म फेस्टिवल। आई थिंक जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे है वो बहुत ही बेहतरीन है कि आप वर्ल्ड सिनेमा को छोटी छोटी सिटीज़ में लेके जाते हैं। सो एज आई सेड, बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स एंड कंग्रेचुलेशंस। इस तरह के फेस्टिवल्स हाँ बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि आई थिंक पूरी दुनिया में किस तरह की फिल्में बनती हैं, कितनी सारी फिल्में बनती हैं और किस क्वालिटी की फिल्में बनती हैं, ये एक ज़रिया है लोगों तक पहुंचाने का, छोटे शहरों तक पहुंचाने का, जो शायद बॉलीवुड से आगे यूजुअली या रीजनल सिनेमा से आगे यूजुअली नहीं सोचते हैं या नहीं कुछ देख पाते हैं। सो ऑफकोर्स ऐसे फेस्टिवल्स और भी होने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए। सॉरी मुझे समझ नहीं। हाँ, मेरा टेक यही है कि सेलेब्स को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोग बहुत पर्सनल होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया है लोगों को अपने ओपिनियंस कम्युनिकेट करने का, लोगों को उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए और बहुत ही पर्सनल ओपिनियंस और एडवाइसेस और सजेशंस अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। और क्योंकि लोग पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं तो लोग उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है। थैंक यू। आई हैव अ फिल्म कॉल रायता विद इरफान खान विच इज़ रेडी फॉर रिलीज, एंड उसके अलावा बहुत जल्द कुछ और अनाउंसमेंट्स होंगे। थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप? हाय, जागरण मेरे लिए बहुत ही खास। जागरण मेरे लिए बहुत ही खास मैंने रखता है क्योंकि मेरी जो पहली अवार्ड थी निलबटे सन्नाटा के लिए, मेरी पहली पिक्चर और मेरा पहला अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला था मुझे जागरण में। स्वराग को भी बेस्ट एक्ट्रेस मिला था जागरण में फॉर निलबटे सन्नाटा, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ख़ास है। और आज भी मैं इसी उम्मीद के साथ आई हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ मिल जाएगा या मेरी पिक्चर को कुछ मिल जाएगा, अगर मिला तो बहुत अच्छा है, पर मेरे लिए जागरण बहुत ही खास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बरेली की बर्फी नॉमिनेट हुई रहेगी कहाँ, तो नहीं भी मिलेगी तो प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट है। यहाँ पर सीमा जी आई हुई है तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है अभी। सॉरी,
आई एम नॉट एन एक्टर और मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इतना मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ. मुझे लगता है कि एवरी वन हैज़ अ राइट टू ओपिनियन और सबको एक हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको एक ओपिनियन है सबके पास, तो जिसकी जैसी मर्जी जिसको जैसा बोलना है वो बोल सकता है. नथिंग लाइक दैट येट, इट्स ऑल रूमर्स. No, not yet. I'm writing something though. Yeah. Surprise. Good evening, everyone. Good evening. Hello. Ji. जी मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके, जो कि लास्ट अवार्ड नाइट्स है मेरे ख्याल से, जो क्लोजिंग सेरेमनी है. I think it's giving a great platform to you know, all these states and you know, lots of films, because the thing is that the culture is so strong in India, so coming from the films coming from different states, I think it's you know, good for everyone, because we are getting to see you know, those rooted cinemas, those rooted stories and everything. So I think that's a great thing. I'm really looking forward to it. Sorry, मेरी अपकमिंग मूवी एक्चुअली अगले साल आएगी. अभी तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा अभी बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगले साल आएगा. जी मैं उसके बारे में क्या कहूँ, एक्चुअली दैट टू पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है और सबको राइट है अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से यू नो, जीने के लिए. सो आई थिंक हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. सो आई थिंक इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर यू नो, व्हाटएवर. सो आई थिंक वी आर नो वन टू से एनीथिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्कार. जी बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि जागरण फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही कमाल मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि मैं तो तीसरी बार इसमें ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती ऐसी है कि आंखों देखी भी दैनिक जागरण में दिखाई गई, उसके बाद दम लगा के हिशा भी दिखाई गई, और इस बार तीसरी बार बरेली की बर्फ़ी भी. तो मैं तो समझती हूँ कि मैं काफ़ी बड़ा हिस्सा बन गई हूँ अब जागरण फेस्टिवल का, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा इसी तरह से ये जिस रास्ते पे ये जा रहे हैं, कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे शहर, इतने सारे शहरों से होती हुई फिल्में, और वो भी उन्हीं की फिल्में, जो छोटे छोटे शहरों की फिल्में, उनकी कहानियाँ, उन तक पहुँचने का जो सिलसिला जागरण ने किया है, मुझे लगता है ये सिलसिला बहुत खूबसूरत है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है ये चलता रहना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू. सो हाय एवरीवन, सबसे पहले आई एम पल्लवी दास. मैं अपनी डेब्यू करने वाली हूँ विद उम्मीद मूवी, जो कि आ रही है एक दो महीने में. इट्स अ मेडिकल थ्रिलर एंड द रिलीज डेट विल बी अनाउंस सून. नाउ अबाउट जागरण, इट्स अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई थिंक फॉर शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स विच वी डोंट गेट टू सी, और यहीं पर एक प्लेटफॉर्म में हमें देखने को मिलेगा. सो दैट्स अमेजिंग एंड आई रियली विश इट ऑल द बेस्ट. ऐसा तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म है नहीं, आई थिंक एटलीस्ट आई डोंट नो ऑफ मच एंड आई एम वेरी न्यू टू इट. सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि हर फेस्टिवल में आई थिंक हमें शॉर्ट फिल्म्स और इतनी सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड की फिल्म्स नहीं देखने को मिलती है. सो आई थिंक दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म वेयर एवरी थिंग इज़ टुगेदर एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. हाँ हाँ
मैंने देखी नहीं है, आई मीन आई हैव हर्ड ऑफ इट बट आई हैवंट सीन द पिक्चर, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती. सॉरी, भाई 8 इज आर नंबर, लकी नंबर, एंड जागरण फिल्म फेस्टिवल इज ग्रोइंग एवरी ईयर इन साइज इन पॉपुलैरिटी. एक बहुत अच्छा एफर्ट है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड. और फिल्म से हम बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए इस साल 8 नंबर इसलिए भी लकी है क्योंकि पहली बार हम लोग इस साल जूरी में हैं और हमें मौका मिला सब फिल्म देखने का और अपनी मनपसंद फिल्में और किरदारों को और टेक्निकल जो यूनिट होती है उनमें से अपने चुनिंदा लोगों को वोट देने का. सो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था. सो जागरण फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ बहुत बहुत बधाई कि एक हिंदुस्तान में 8 साल के अंदर इतनी एक अवार्ड्स की पहचान बना लेना बहुत बड़ी बात. थैंक यू. एक तो मैं बहुत खुश हूँ जागरण फिल्म फेस्टिवल में आकर के और बहुत अच्छा ये महोत्सव है. इस मायने में बहुत अच्छा है कि ये हिंदुस्तान के छोटे छोटे इलाकों में घूमने वाला फिल्म फेस्टिवल है, यानी आप सिनेमा को घर घर पहुँचाते हैं. और अब मुझे भी हल्की हल्की सूचना है कि मुझे अवार्ड मिल रहा है इस फेस्टिवल में, तो मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने पहली फिल्म बनाई, पहली फिल्म जो है वो जागरण फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी, जगह जगह घूमी और अब उस फिल्म को अवार्ड भी मिल रहा है. तो मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, आह्लादित हूँ और थोड़ा थोड़ा भावुक भी हूँ. मेरी फिल्म अनारकली ऑफ आरा है जो कि एक इरोटिक फीमेल फोक सिंगर की कहानी है, उसके अपने आत्मसम्मान की कहानी है. स्वरा भास्कर जो है उसमें अनारकली बनी है, पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा हैं, इश्तियाक खान हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के हमारी फिल्म को बहुत ही ताकतवर बनाया है. इन सब लोगों का शुक्रिया. थैंक यू. I'm very happy to be here. I would like to thank the Jagran Film Festival for having me here, for bringing me down to Bombay and for presenting me with the award, the special jury award. I'm very, very, very honored. Thank you so much. I can't hear you. As of right now, I'm busy working on my music with my band, so I've moved back home to Shillong for a while and I'll be back next year, and maybe next year we'll start and see maybe if something comes up. Thank you so much.
happy to be here Jagran Film Festival. I'm glad. I'm very excited. So thank you so much. Okay. What? I don't know. I don't yet. Thank you so much. Well, I've enjoyed being on the jury. I'm on the jury for Cinema of the Cellars. And I think it's a wonderful concept, a traveling film festival, one of the largest in the world, unique, really nice. What's the criteria of selecting the cinema, if you can throw some light on it, please? No, I think it was a very fair system of selection. We were four jury members, and all the entries were extremely good. We were told to judge them on a scale from 1 to 5. And I saw 30 films. Each film was seen by at least 3 jury members. So it was really, really a fair and a difficult choice because the work was really good from all over India. They are making lovely films and they're screening for lovely films, very meaningful films. I wish them all the best. This is the 8th year. I hope many more years to come for them. Oh, I'm very happy. This is my Bollywood film, first Bollywood film. I made my debut here in Patel Ki Punjabi Shadi, and people are liking the movie, people enjoyed, and it was a family drama, and I got launched along with Rishi Kapoor, Paresh Rawal, Veer Das. So I'm very excited that I got to work with the veteran actors where I had the chance to learn acting and how to be, what should be your mannerism, everything from them, being humble and down-to-earth person, loving, caring, supportive. It was lovely being the part of Patel Ki Punjabi Shadi. Yeah, I'm doing a rom-com next. Details I'll tell you soon. Thank you so much. वैसे तो हमारे जैसे लोगों के लिए, मतलब इंडियन फिल्म्स के लिए अगर हम सोचते हैं, इंडियन फिल्म्स के अगर हम सोचते हैं तो मोरल बढ़ाने के लिए, जब 75 कंट्रीज़ में से ऐसे फेस्टिवल का जो भी आयोजन होता है या जो भी अरेंजमेंट ये लोग करते हैं, तो मैं तो पहले बहुत 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 बधाई भी दूँगा और थैंक्स भी बोलूँगा जागरण फिल्म फेस्टिवल को कि उन्होंने इतने डीप में जाके एक छोटे से छोटे शहर से या छोटे से छोटे जगह से 75 सिटीज़, मतलब 75 सिटी में से उन्होंने फिल्मों को जगह दी और उनमें से उन्होंने कुछ फिल्में चुनी और उसमें से उन्होंने रिजल्ट निकाले. आई वुड लाइक टू से थैंक्स, रियली थैंक्स टू जागरण फिल्म फेस्टिवल. एंड आपके वजह से बहुत से फिल्म इंडस्ट्री से लोगों का मोरल बढ़ेगा और फिल्मों की तरफ लोगों का जो, मतलब फिल्म मेकिंग की तरफ लोगों का जो आकर्षण है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. मैं सहदिल अपनी पूरी टीम की तरफ से, हमारी जो टीम थी डॉक्टर रखमा भाई, वो पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का सहदिल शुक्रिया करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जागरण फिल्म फेस्टिवल. थैंक्स. सॉरी. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं जागरण फेस्टिवल के बारे में सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप जो काम कर रहे हैं ये फिल्म्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है.
आप अच्छे फिल्म्स को, अच्छे सिनेमा को पूरे भारतवर्ष में प्रमोट कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना जी? जी मैं वही बता रहा था कि जागरण फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस ये है कि जो अच्छी सिनेमा है उसको प्रमोट कर रही है जागरण फिल्म फेस्टिवल, अवेयरनेस बढ़ा रही है कि एक्चुअल सिनेमा क्या होता है। कमर्शियल सिनेमा तो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जेन्युइन सिनेमा लवर्स हैं, जो जेन्युइन सिनेमा प्रेमी हैं, और जो वो सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, वो हर जगह मिलेंगे आपको, पूरे इंडिया में मिलेंगे आपको, तो वो जो हैं उनके लिए जागरण फिल्म फेस्टिवल बहुत ही स्पेशल है। और एक फिल्म एजुकेशन की तरफ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिल्म अप्रिसिएशन की तरफ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलरेडी हैड अ फिल्म हियर कॉल्ड सईद मिर्ज़ा द लेफ्टिस्ट सूफी लास्ट ईयर, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद हैविंग अ फिल्म इन जागरण, होपफुली हैविंग माई नेक्स्ट फिल्म दीपक ताजमहल ऑल्सो नेक्स्ट ईयर। जागरण इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फेस्टिवल्स, it's one of the most amazing festivals because of the fact that it is actually a pan India festival. So there is no pan India festival that I know of that is a traveling festival, goes to several cities and several towns, and it has the most amazing selection of films. I think that the person who is actually heading Jagran, Manoj Srivastav, is one of the top guys, he's one of the top individuals who is very well connected and certainly brings out the best of Indian cinema in Jagran in that sense. So I think it's a wonderful experience and I hope you all enjoy it. Thank you very much. It's a pleasure to be here. आठवां जागरण फिल्म फेस्टिवल है, पहली बात तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस चीज़ की कि आठ साल से कंसिस्टेंटली ये चला आ रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। दूसरी बात ये कि शायद मुझे लगता है कि वन ऑफ द जेन्युइन जो फिल्म अवार्ड्स हैं उनमें से एक मैं मानूंगा जागरण फिल्म फेस्टिवल को, बहुत ही एक अलग तरह की इनके इमेज है और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले आठ साल भी इसी तरह से हैं। नहीं बोल दूं, यू नो जागरण फिल्म फेस्टिवल गिव्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, होप एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू सिनेमा। थैंक यू सो मच। Jagran Film Festival and this is the largest traveling film festival and I am here to support the winner. Yeah, thank you ji. Ha bilkul hone chahiye kyunki I am also doing a film jo ki ek small town shehron ki hai, so I think chote shehron ko protsahan dena bahut zaruri hai because hamara real flavor un chote shehron mein hi basta hai. And not only chote shehar, everywhere, bada shehar also, because it's about the flavor of India. So I think yeah, these kind of more film festivals should be supported. Yeah, so Ranchi Diaries bilkul dhansu film hone wali hai. Everybody is going to love it. And ye story ek ladki ki hai, gudiya ki, jo Ranchi ki hai, which is played by me. Aur us ladki ke bahut dreams hain aur aapko bahut maza aane wala hai yaar. Trailer to aapne dekh hi liya hoga. Gaane, you must be enjoying. जी ओके, हमारी फिल्म रांची डायरीज रिलीज होने वाली है 13 अक्टूबर को और अभी एक गाना और आना बाकी है, फैशन क्वीन आ गया है, थोड़ा और अभी निकला है, परसों आया है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
मुझे लगता है कि रूमर्स तो होते रहते हैं, इतना इस चीज़ को नहीं हमें एग्जैजरेट करना चाहिए. हो सकता है वो काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सो इट कुड बी एनीथिंग. लेट्स नॉट जस्ट गेट इनटू समबडीज पर्सनल लाइफ, सो इट्स नॉट राइट, नॉट कूल. थैंक यू. वेल, आठवां एडिशन है, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग फेस्टिवल, स्पेशली द रेट्रोस्पेक्टिव दैट यू गाइस डू. फ्रांसुआ त्रूफो का बहुत बड़ा रेट्रोस्पेक्टिव किया आप लोगों ने. आई वॉज देयर, कैप पहन के मैंने सारी फिल्में देखी हैं, तो आई लव्ड इट. थैंक यू. मेरी टॉयलेट मिस हुई थी तो मैं अक्षय सर की फिल्म टॉयलेट दोबारा देखी. एंड जूल्स एंड जिम वॉज एन अमेजिंग फिल्म. यू रियलाइज दैट 1962 में एक सेक्सुअल अवेकनिंग थी जो शायद अब हम मिस कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं. ओ यस 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 यस. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फेस्टिवल से हट के ऐसी फिल्में दिखाएं जो आई थिंक ऑल दोज फिल्म जो हम फेस्टिवल्स में नहीं देख पाते, जो इंडिया में लोग यहाँ रह के बाहर नहीं देख पाते, उनको इंडिया में ला के क्लासिक सिखाना बहुत ज़रूरी है. जागरण डूइंग एन अमेजिंग जॉब. आई विश एवरी वन एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑल द बेस्ट. आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू एंटायर जागरण टीम, इंक्लूडेड वॉलेंटियर्स, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, रेस्पेक्टेड ज्यूरीज, एंड मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके की फिल्मों को तवज्जो देना. और मैं चाहता हूँ खूब एक्सपेंड करें और इस तरीके से और बड़े तरीके से शेप अप होना चाहिए जागरण, क्योंकि एक आम जनता का फेस्टिवल है. और मेरा कमाल का एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म मेकर डिसअपॉइंट होके नहीं गया होगा इस फेस्टिवल से, क्योंकि हर फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको स्क्रीन कराया गया और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट दी, जो कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में नहीं होता है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आई हैव बीन विजिटेड सो मैनी फेस्टिवल्स जहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, जहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स का मतलब कुछ उस तरीके से समझा जाता है जैसे शायद कोई शॉर्ट फिल्म कोई चीज़ नहीं है, जबकि शॉर्ट फिल्म सिर्फ एक ड्यूरेशन से शॉर्ट फिल्म होती है. वो एक तरीके का फिल्म मेकिंग ही सेगमेंट है, जिसको किस तरीके से आप बनाते हो वो डिपेंड करता है. सर आपका सवाल कुछ है? जी सर. जागरण फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सर जागरण फिल्म फेस्टिवल से के बारे में स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि इस फेस्टिवल से मेरा जुड़ाव इसलिए ज़्यादा है कि मेरी पहली फिल्म जो थी फिल्मिस्तान मुंबई में सबसे पहले इसी फिल्म फेस्टिवल ने दिखाई थी. yes. और मैं इसलिए इमोशनली इस फेस्टिवल को के साथ जुड़ा हुआ हूँ. और फेस्टिवल कोई भी हो, फिल्म फेस्टिवल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उन फिल्मों को दिखाने का जो इजीली अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है. तो आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हो और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं. और ऐसे ही फेस्टिवल आपका फलता फूलता रहे. सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप इसको ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ या दूसरी जगहों पर तो फिर भी लोग देख लेते हैं फिल्में. छोटे शहरों में जैसे भोपाल या दूसरी जगहों पर वो आपका बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो इसको बाकी फेस्टिवल से डिफर करता है हिंदुस्तान के अंदर. तो मेरी शुभकामनाएं जागरण फिल्म फेस्टिवल को, बहुत अच्छा करें, बहुत बेहतर करें. बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सुनाई नहीं पड़ रहा है. मैं क्या बताऊँ, जब तक मैं अटेंड ही नहीं करूँगा इस बारे में क्या बताऊँगा. पर ये मालूम है कि मनोज श्रीवास्तव इसमें इन्वॉल्व हैं और वो CEO रहे फिल्म फेस्टिवल के, बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, उनको करीब 15 सालों से जानता हूँ और वो सेंसेबल काम करते हैं. जागरण के साथ दैनिक जागरण भी जगा हुआ पेपर है, न्यूज़पेपर है, उनको अच्छी तरह जानता हूँ. और इस तरह की फेस्टिवल इन्होंने उत्तराखंड में की थी दैनिक जागरण में, तो मैं वहाँ अटेंड किया था. जहाँ जहाँ जागरण का बुलावा आता है मैं हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है. अच्छा सर, आप कोई मूवी है
بیٹا ہم کو سنائی نہیں پڑتا, نزدیک آ کے بولو. ارے 175 فلموں میں کس کا نام بتاؤں؟ چک دے ہے, دامنی ہے, چائنا گیٹ ہے, پکار ہے, کبھی ہاں کبھی نہ ہے, انگنت ہے. پر ابھی جو فلم ریلیز ہونے والی ہے وہ ہے کپل کی فرنگی, جس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں وہ اچھا رول ہے. گاندھی موومنٹ ان پنجاب اس کو لے کر کے ہے. بیٹا نزدیک آ کے بولو. یہاں جو بھی نیا میڈیا ہے, نیا طریقہ ہے یوٹیوب کا یا سوشل میڈیا سے, وہ بھائی ابھی آج سب جگہ چل رہا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ چل رہا ہے. جیسے ہماری ایک فلم ریلیز ہوئی ہے یوٹیوب میں, تو ہی کرتا پولیس, ممبئی پولیس کے اوپر ہے, تو اچھی فلم بنی ہے. اب اس کو ریلیز کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا یا اس کی اکوپمنٹ نہیں ہے ان کے پاس, تو انہوں نے یوٹیوب میں ریلیز کر دیا, لوگ دیکھ تو رہے ہیں کم سے کم. پر جو نیا میڈیا ہے اس کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب اس کے کمپٹیشن میں اگر پرنٹ میڈیا نکل کے آتا ہے سامنے, نتھنگ لائک دیٹ, یہ تو کمپٹیشن ہے, ہمارا بھی کمپٹیشن چل رہا ہے. شکریہ, ہو گیا نا, تھینک یو. سبسکرائب ٹو مووی ٹاکیز اینڈ کلک آن دا بیل آئیکن فار لیٹسٹ اپڈیٹس.